जी है राजा तिलकराई, जिसके बकरी जैसे कान हैं। राजा के बकरी जैसे कानों के बारे में प्रजा में किसी को भी पता नहीं था। राजा बकरी जैसे कानों की बात प्रजा से छुपाकर रखता था, इसीलिए सभी को उसके कक्ष में जाने की सख्त मनाही थी। महल से बाहर जाते समय राजा अपने बकरी जैसे कानों को छुपा लेता। अरे महाराज, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कक्ष है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें महल में रहकर मेरे कक्ष का नहीं पता है, झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा इस महल में काम का पहला दिन है, इसीलिए मुझे आपके कक्ष के बारे में नहीं पता था। आज तक मेरे कक्ष में आने की गलती किसी ने नहीं की, तुम पहले इंसान हो। सजा के तौर पर तुम्हें कल फांसी दी जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बिन उनका क्या होगा। इतना सुनने पर राजे को भी अपने छोटे राजकुमार का ख्याल आया। सुनो नौकर, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरे कानों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। जिस दिन भी प्रजा में किसी को भी मेरे कानों के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी महाराज, मुझे मंजूर है। अरे आ गए आप, महल में आपका पहला दिन कैसे रहा? बहुत अच्छा। आप खाना खा लीजिए, फिर हम बातें करेंगे। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे पता है आपके पेट में जरूर कोई बात होगी, इसीलिए आपका पेट दर्द कर रहा है। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर तुम वैद्य के पास चले जाओ, दवा से आपका पेट ठीक हो जाएगा। राम राम वैद्य जी। राम राम छोटू, बताओ कैसे आना हुआ। वैद्य जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवाई दीजिए। अरे छोटू, ऐसा वैसा क्या खा लिया जो तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? वैद्य जी, मेरे पेट में एक बात है जो मैं किसी को बता नहीं सकता, जिसके कारण मेरा पेट दर्द कर रहा है। आप इलाज कर सकते हैं क्या? ऐसी भी क्या बात है छोटू जो तुम किसी को नहीं बता सकते? वैद्य जी, इसका कोई इलाज है तो मुझे बताइए। ठीक है छोटू, तुम ये बात किसी पेड़ को बता दो, इससे तुम्हारा पेट भी ठीक हो जाएगा और बात भी किसी को बताई जा सकती है। वैद्य जी के कहने पर छोटू ने ये बात जंगल में जाकर एक पेड़ को बताई, इससे राजा से किया हुआ वादा भी नहीं टूट सका और छोटू का पेट भी ठीक हो गया। कई वर्ष इसी तरह बीत गए। राजा के बकरी वाले कान की बात सुनकर वो पेड़ भी सूख गया। एक दिन राजा का सिपाही छोटू के गांव में आया। सुनो सुनो सुनो, आने वाले रविवार को राजमहल में छोटे राजकुमार का जन्मदिन है। इस खुशी में रविवार को राजमहल में बंसरी बजाने की प्रतियोगिता करवाई जाएगी। आप सभी को निवेदन है कि उस प्रतियोगिता में भाग लीजिए और जीतने वाले को राजा की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। ये बात सुनकर छोटू ने भी
प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा और वो बंसरी बनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। अरे इस सूखे पेड़ की बंसरी बहुत अच्छी बनेगी, मैं इस पेड़ की लकड़ी से बंसरी बनाऊंगा। छोटू भूल गया था कि ये वही पेड़ है जिसको उसने राजा के बकरी वाले कानों की बात बताई थी। रविवार का दिन आया और सभी लोग प्रतियोगिता के लिए राजमहल पहुंचे। सभी लोगों ने एक एक कर बंसरी बजाई। छोटू ने भी बंसरी बजाना शुरू किया। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गया और राजा ने छोटू को मारने की घोषणा कर दी। महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे लगता है ये बंसरी जादू वाली बंसरी है। यकीन नहीं आता तो आप ये खुद बजा कर देख लीजिए। ये बात सुनकर दरबारियों ने भी राजा को बंसरी बजाने के लिए कहा। राजा ने बंसरी बजाना शुरू किया। बंसरी की इस तरह की धुन सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हो गया। वो बकरी जैसे कानों का राज नहीं छुपा सका। दा दा।